अभी सिमटेक वाला जो फ्रेशर है वो इंस्टॉल करेंगे आज। तो ये वाला कैसा होता है, सिमटेक सॉकेट टू सॉकेट, ये वारंटी कार्ड है सिमटेक का, 1 ईयर का वारंटी है। और ये है वो जो फ्लैशर है 23 मोड्स का, तो आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं जो सिमटेक का। इंस्टॉल करने वाले हैं ड्यूक 250 पे, DS4 वाला मॉडल है। तो आइए चलते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं ये वाला सॉकेट पे, तो दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलो करो इंस्टॉल करो। तो ये जो सॉकेट है ये खोलना पड़ेगा पहले, और उसके बाद ही ये इंस्टॉल होगा। डायरेक्ट सॉकेट टू सॉकेट है, तो रेड वाला जाएगा रेड पे। बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकते हैं, प्लस माइनस बोल के डालना पड़ता है। जो पीछे का सीट होता है उसको खोल के फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। ये वाला वायर ये वाला में जाएगा, ये जो ग्रीन वाला है ग्रीन वाला में जाएगा। तो करीब करीब हो गया, एक ही बाकी है। हो गया, तो ऐसे होता है, पूरा फिटिंग हो गया। अभी ये सीट लगवाएंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे वर्क करता है वो वाला। देखते हैं कैसे वर्क करता है ये वाला। तो अभी स्विच ऑन किया और जलाओ, कैसे दिखते हैं। ये हैज़र्ड ऑन हो गया, ये सेकंड पैटर्न है, ये थर्ड पैटर्न है, फोर्थ पैटर्न है। और ये कैसे जलता है, ठीक है, बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होता है कि भाई हैज़र्ड कैसे जलता है, इसमें काम कैसे करता है। तो ये मैंने दिखा देता हूँ कैसे करता है। मान लीजिए ये वाला स्विच है इंडिकेटर का, तो इसको ऐसे करे ऐसे करो फिर मिडल में दो, तो हैज़र्ड ऑन हो जाता है। मान लो जो आप लेफ्ट और राइट में जाओगे, ठीक है, इंडिकेटर करने के लिए, वो कैसे होगा। हैज़र्ड तो आप ऑन है, तो ये वाला आप ये वाला कर सकते हैं, तो देख सकते हैं ये वाला इंडिकेटर जल रहा है, ये बंद हो जाएगा, हैज़र्ड ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली। और हैज़र्ड को ऑन करने के लिए फिर से आप ऐसे ऐसे करो और मिडल में डालो, तो हैज़र्ड ऑन है। और हैज़र्ड ऑन कैसे, मतलब आप राइट कर रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा, ये वाला इंडिकेशन है, ये दोनों तरफ से इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे लगता है हम लोगों सिमटेक का हैज़र्ड, उसका 1 ईयर का वारंटी भी है। तो और भी कुछ लगाएंगे ये वाला, तो ये भी देखते हैं क्या क्या लगवाते हैं इस बाइक पे। ये ड्यूक 250, तो देखते हैं और क्या क्या लगवा जाता है। तो इसमें अभी ख़त्म हो गया काम, तो इसमें लगाया हम लोगों ने जो हैंडल मिरर होता है वो लगवाया है, और जो पीछे का जो लुक होता है हैज़र्ड तो इंस्टॉल कर ही दिया। और पीछे में ये वाला रात में बहुत अच्छा दिखते हैं, ये वाला DRL है, दोनों साइड पे DRL होगा, वो भी लगवा दिया, ठीक है। अभी इतना ग्लो नहीं कर रहा है, रात को करेगा। तो हाँ, ये है ओवरलुक, इसका KTM 250 है इसको। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। और हमारा एड्रेस है बाइकर्स वर्ल्ड नियर भगवान ठाकुर चौमनी नियर अभयनगर ब्रिज, और नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो कोई भी सामान लगे बाइक के रिलेटेड और KTM के रिलेटेड आ सकते हैं। सो ये रहा मेरा अभी का लाइटनिंग वाला मॉडिफाई जो आज किया है। सो इसका तो मैंने चेंज कर दिया है, पहले तो ऐसा ब्लिंग होता था सिर्फ, और अब जो है फुली वाइट है। सो इसका भी ऐसा कर दिया कि अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो ये ऐसे लाइट नहीं करेगा, और रेस्ट टाइम ऐसा। और आपने तो ये मेरा नया वाला ये पैसा जो लगाया वो तो देखा ही होगा आपने।